जब से ये इमेज जनरेशन वाला AI टूल आया ना, सारे क्रिएटिव लोग दो ग्रुप में बन चुके हैं। पहले जो इन AI टूल्स का यूज कर रहे हैं एंड अपनी डे टू डे एडिटिंग को और ज्यादा इजीली एंड परफेक्टली कर रहे हैं, और दूसरे जो कह रहे हैं कि अब भाई मैं तो कैटेगरी 1 में आता हूँ और आप। एनीवेज, ये है एडिट विद NSB एपिसोड 3 एंड आज की इस वीडियो में अपने सब्सक्राइबर्स की यानी आपकी फोटोज को मैं एडिट करने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। मैंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की थी जहाँ पर मैंने आपको बोला था कि अपनी फोटोज को सबमिट करो एंड वहाँ पर 5000 से भी ज्यादा फोटोज आई विद सम लवली मैसेजेस। बाय द वे इंस्टा पे फॉलो जरूर कर लेना, ये सारी बातें वहीं पे होती है। तो इन 5000 फोटोज में से मैंने बहुत टाइम लगाने के बाद ये 5 फोटो को सिलेक्ट किया है जिनको कि मैं एडिट करने वाला हूँ यूजिंग माई स्किल्स प्लस AI। देखो, अगर आपकी फोटो इस वीडियो में एडिट ना भी हो पाई तब भी आपका इस वीडियो को देखने का एक फायदा जरूर होगा। आपको ये सीखने को मिलेगा कि कैसे एक सिंपल सी फोटो, चाहे वो फोन से क्लिक की हो, उसको आप एक बेहतरीन फोटो जैसे आप इंस्टाग्राम पे देखते हो लोगों की वैसे कैसे बना सकते विद द टच ऑफ AI। क्योंकि पहले जिन चीजों को करने के लिए बहुत सारी स्किल्स चाहिए होती थी, अब वो बहुत ही इजीली AI के जरिए हो जाती है। अगर आपको एडिटिंग नहीं भी आती तब भी इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही इजीली AI टूल का यूज करके अपनी फोटो को एडिट कर पाओगे। तो फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दो एंड स्टार्ट करते हैं अपनी पहली फोटो से। ओके, तो ये है फोटोशॉप बीटा एंड हमने अपनी पहली इमेज को ओपन कर लिया है। ये फोटो सबमिट किया संजीत दे ने एंड ये फोटो बहुत ही बेसिक है, जस्ट फोन से क्लिक की गई है। इसमें कुछ भी आपको खास नहीं लग रहा होगा, बहुत ही नॉर्मल सी फोटो है। बट हाँ, इसमें मेरे को जो अच्छी चीज लगी वो ये कि लाइटिंग बहुत परफेक्ट आ रही है एक तरफ से एंड बहुत ही मस्त यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है फेस जो कि बहुत ही परफेक्ट लग रहा है। अब लेट्स सी इस फोटो का मैं क्या बना पाता हूँ। सबसे पहले मैं एक कमांड जे करूंगा एंड लेयर हमारी कॉपी हो जाएगी यहाँ पर। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, इस फोटो में इस विंडो को मैं और एक्सटेंड करूँ और लाइट बहुत ही इन्फाइनाइट आए यहाँ से। तो मैंने अपना पेन टूल ले लिया एंड वापस हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे एरिया को एंड जस्ट एक बार खाली छोड़ देंगे जनरेटिव फिल को। तो इस पर क्लिक करते हैं एंड जनरेट। तो आई थिंक ये सही है, इसने थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया इसको। अभी हम अगर इसको दोबारा सिलेक्शन करें और इस वाले पार्ट को भी हटा ही दें पूरा, जनरेट पर क्लिक करते हैं एंड छोड़ देते हैं जनरेट। दिस इज व्हाट आई वांट। ये पूरी परफेक्ट हमारी की विंडो बन चुकी है जो कि बहुत ही सीमलेस लग रही है एंड ये राउंडेड एजेस भी काफ़ी सही लग रही है, इससे ट्रेन वाली फील आ रही है। ये तो हमारी विंडो बन चुकी है, आपको कहूँगा बिफोर आफ्टर। तो ये देखिए, इतना काम इसने कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर के पार्ट को क्लीन अप करते हैं। यहाँ पे जो ये बोर्ड दिख रहा है इसको हटा के मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कुछ पेंटिंग टाइप, लेकिन कुछ पुराने जमाने की। एंड देखो कितनी सही इसने पेंटिंग बना दी है। 3 ऑप्शन है मेरे पास, ये आई थिंक ये फर्स्ट वाली ज़्यादा सही लग रही है, बिल्कुल ऑथेंटिक लग रही है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो बीच में हमारे जहाँ से लाइट आ रही है इस पार्ट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस ग्रास की जगह मैं कुछ और रखूँगा, मतलब कुछ तो ऐसा होना चाहिए हमारे पास। इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे स्काई एंड जनरेट। ओ डैम, ये लग रहा है परफेक्ट भाई स्काई। वाओ, बीच वाला बिल्कुल रियल लग रहा है, हालांकि हम इसको दोबारा से जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हाँ मुझे ये सही लग रहा है, आई थिंक परफेक्ट है। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, ये तो एक बिल्कुल प्लेन का सीन बन सकता है, लेकिन बिल्कुल एंटीक प्लेन बन सकता है। तो ये जो ऊपर ये मेरे को ट्रेन की फील दे रहा है, जो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, लगे ही ना मतलब कि ट्रेन में बैठा हमारा सब्जेक्ट। यहाँ पर हम लिखेंगे एंटीक प्लेन एंड लेट्स सी क्या होता है। ओ भाई, ये कितना परफेक्ट लग रहा है यार, शिट मैंने ये इमेजिन नहीं किया था भाई। ये लग रहा है किसी प्लेन का इंटीरियर और लाइटिंग कितनी परफेक्ट मैच की है, यहाँ से लाइट आ रही है तो ये चीज़ लाइट अप है पूरी। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रे टेबल। ये तो ट्रेन वाला लग रहा है, इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं, ये सही है क्योंकि रेट्रो वाइब आ रही है पूरी। बट एक बार फिर से जनरेट करते हैं, इस बार हम लिखते हैं एंटीक ट्रे टेबल विद फूड, इसके ऊपर हमें थोड़ा फूड भी चाहिए। यस, ये लाइट कितनी परफेक्ट लग रही है इस पर। ओ डैम, आई थिंक ये कॉम्पोजिशन बहुत सही लग रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि लीडिंग लाइन बन रही है, यहाँ पे एक ये बॉक्स है, यहाँ पे ये एक बॉक्स है और पूरा सब्जेक्ट पे लाइट आ रही है, तो बहुत ही सही है। अगर इसको पूरा हम बिफोर आफ्टर करके देखें तो जस्ट ये देखो, बिफोर एंड आफ्टर, शिट मैन कितना ऑसम लग रहा है ये। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, सबसे पहले हमने ये ऐड किया, इसको और एक्सटेंड किया, फिर हमने इसमें थोड़ा सा ये लगाया पेंटिंग, फिर ये लगाया, फिर ये एंड अब ये। यहाँ पर पूरी फोटो परफेक्टली कलर मैच हो चुकी है, कॉम्पोजिशन बहुत ही बढ़िया हो चुकी है। अब इसको कहते हैं कलर ग्रेड हल्का फुल्का, ठीक है। तो जस्ट मैं क्या करूँगा, कमांड शिफ्ट अल्ट एंड ई दबाऊंगा, ये पूरी लेयर एक नई लेयर बन जाएगी एंड फिर हम जस्ट इसको इंपोर्ट करते हैं कैमरा रॉ के अंदर एंड यहाँ पर इसकी हल्की फुल्की रिटचिंग करते हैं। सबसे पहले फोटो में क्या है कि मैं कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा कम करूँगा, ओके, एंड ब्लैक्स को थोड़ा सा कम करूँगा, वाइब्रेंस बढ़ाऊँगा एंड कर्व टोन में आते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा फेड ऐड करता हूँ पहले सिनेमेटिक बनाने के लिए, तो 3 पॉइंट बनाऊँगा, आई थिंक ये परफेक्ट है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं रेड टोन में, हल्का सा ब्लू टोन डालते हैं ताकि थोड़ा सा मस्त लगे ये, एंड हाईलाइट में हल्का सा येलो टोन, विच इज़ परफेक्ट। नाउ हम यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं टूल का, क्या नाम था इसका, मैं तो नाम ही भूल गया, मास्किंग टूल का, लीनियर ग्रेडियंट, एंड यहाँ से हम ऐसे करेंगे इसको थोड़ा सा डार्क रखेंगे एक्सपोजर एंड एक बार हम क्या करेंगे, सेंटर में थोड़ी सी लाइट को बढ़ाएंगे, बेसिकली इस पोर्शन पर लाइट यहाँ से आ रही है तो ये थोड़ा सा ब्राइट होना चाहिए। इधर इसका फुल रखेंगे एंड एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, दैट्स इट। एक बार दोबारा मास्क बनाते हैं एंड इसके अलावा बैकग्राउंड में सब चीज़ों को डार्क रखते हैं, इसको करेंगे हम इनवर्ट एंड एक्सपोजर थोड़ा सा कम एंड डन। तो आई थिंक अगर हम देखें बिफोर आफ्टर
बिफोर एंड आफ्टर, बहुत ही परफेक्ट लग रहा है, कलर बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा है, कुछ भी फेक नहीं लग रहा। एंड आई डोंट थिंक इस फोटो को देखने के बाद कोई ये बता पाएगा कि इस फोटो में कुछ भी नकली है या कुछ भी फेक है। लिटरली एक फ़ोन की फोटो जो कि बहुत ही लो क्वालिटी थी। एंड बिफोर आफ्टर आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, बिफोर एंड आफ्टर, डैम ब्रो ऑसम। नेक्स्ट हमारे पास जो फोटो है ये काफ़ी क्रिएटिव है एंड इसको क्लिक करने में काफ़ी मेहनत की गई है, मतलब मुझे दिख के लग रहा है कि हाँ भाई इन्होंने एक्शन को फ्रीज़ किया है एंड काफ़ी सही पोजिंग भी की है। तो इसको पहले मैं कमांड जे करता हूँ एंड थोड़ा सा पहले मैं इसको क्या करूँगा, करेक्ट करूँगा क्योंकि डिटेल्स बहुत कम आ रही है इसमें। तो मैं थोड़ा सा एक्सपोजर को बढ़ाऊँगा पहले एंड हाईलाइट को थोड़ा सा कम करता हूँ, शेडो को थोड़ा अप करता हूँ एंड एक्सपोजर थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, हाईलाइट थोड़ा सा कम एंड वाइब्रेंस बढ़ा के थोड़ा सा क्लैरिटी कम करता हूँ। तो देखिए अब थोड़ा सा डिटेल्स वापस आ रही है कि दिख रहा है कि हाँ भाई फोटो में क्या है, थोड़ी सी शार्पनेस कम है, मैं यहाँ पर आऊँगा एंड डिटेल्स में आगे हम शार्पनेस को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो देखो इस फोटो में मैं सबसे पहले क्या चेंज करूँगा, मेरे को इस फोटो में ना ये घास जच नहीं रही है क्योंकि ये जो डांस का स्टेप है ये स्टेज के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं सिलेक्शन बनाऊँगा ऐसे एंड यहाँ से रिप्लेस करूँगा इसको, स्टेज बनाऊँगा एक इसका, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखते हैं आउटडोर स्टेज, लेट्स सी क्या कर पाता है। डैम ब्रो स्टेज आ चुका है और ये तो भाई टेबल से ऊपर कूद गई, ये ज़्यादा लग रहा है। एक बार दोबारा रीजनरेट करते हैं, ठीक है। आई थिंक ये वाला परफेक्ट लग रहा है, मतलब इसमें थोड़ा सा रियलिज्म है, ऐसा लग रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है। अब मैं यहाँ पे क्या चल रहा हूँ, थोड़े से आगे से मतलब ऑडियंस दिखे, ठीक है। तो मैं ऐसे बना रहा हूँ, ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे कुछ क्राउड, ठीक है। ओ क्राउड इसने ऐड कर दिया, मतलब समझता है चीज़ों को यार। यहाँ पर तो नहीं मैच हो रहा डेप्थ ऑफ फील्ड, लेकिन हाँ ये मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई मैच हो सकता है, बट आई डोंट थिंक इसको ऐड करके फ़ायदा है कोई, छोड़ो हम इसको क्रॉप ही कर लेंगे। तो इस पार्ट को हटा ही देते हैं, तो जस्ट मैं कहता हूँ फोटो को एक बार क्रॉप करता हूँ इतना। अब इसमें हम और क्या ऐड कर सकते हैं भाई, अब देखो यहाँ पे ना पूरी आपकी इमेजिनेशन है कि आप क्या क्या सोच सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक माइक स्टैंड को ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि इस हाइट तक एक माइक स्टैंड यहाँ पर होना चाहिए। तो इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं और इस पर लिखते हैं माइक। तो माइक स्टैंड यहाँ पर आ चुका है परफेक्ट, ये वाला परफेक्ट लग रहा है मेरे को। और हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, और आई थिंक इस गिटार को हम थोड़ा और एस्थेटिक बना सकते हैं। तो मैं इसको सिलेक्शन करता हूँ ऐसे एंड इसको हम इलेक्ट्रिक गिटार बनाते हैं। देखते हैं क्या जनरेट किया इसने, इसने गिटार के वेरिएशंस निकाल दिया भाई, बिफोर ऐसा था एंड आफ्टर ऐसा, जो कि सही लग रहा है। और बिल्कुल इसने मतलब कलर्स वलर सब मैच कर लेता है यार, इससे कोई दिक्कत ही नहीं है। और तो इसमें हम क्या ही चेंज करते हैं, और हम यहाँ पे एक गॉगल्स ऐड करते हैं इसके चेहरे पे ना, क्योंकि आई थिंक गॉगल्स ज़्यादा सूट करेंगे। इस पार्ट से ड्रॉ करते हैं ऐसे एंड इस पर हम सनग्लास लिखते हैं। तो ये ब्लैक एविएटर्स हैं, ये एक बार को चल सकते हैं। इसकी डंडी आधी आ गई, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई। तो आई थिंक पहले वाला यही सही था। तो ये हमारी फोटो जो है यहाँ पर कम्प्लीटली एडिट हो चुकी है। अब इसका बैकग्राउंड मुझे बहुत डर लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट सब्जेक्ट करूँगा एक बार एंड बैकग्राउंड में कुछ डालते हैं। तो इसको सेलेक्ट कर दिया, अब मैं कमांड शिफ्ट आई करूँगा एक बार और जो नीचे का पार्ट है इसको डीसेलेक्ट करूँगा। तो जस्ट मैं अल्ट दबाऊँगा, सिलेक्शन लेके अल्ट दबाता हूँ एंड ये पार्ट हो चुका है डी सेलेक्ट। अब हम यहाँ पर लिखेंगे स्काई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जस्ट एक स्काई लिखते हैं एंड देखते हैं क्या जनरेट करता है। तो यहाँ पे स्काई हल्का फुल्का आ चुका है, लेकिन मतलब हाँ उतना रियलिस्टिक नहीं लग रहा, क्योंकि अगर ये ज़्यादा स्काई ऐड करेगा तो बैकलाइट खत्म हो जाएगी। रहने देते हैं स्काई को ना। तो अब कर रहे हैं इसमें कलर ग्रेडिंग। तो जस्ट मैं क्या करूँगा, कमांड शिफ्ट अल्ट ई करते हैं एंड इस फोटो को लेके चलते हैं यहाँ पर। तो अगर मेरी फोटो भी होती, मैं इसमें मैक्स टू मैक्स क्या करता, हल्के फुल्के कलर्स को छेड़ता एंड ज़्यादा ओवर एडिटिंग ना करता। तो हाईलाइट थोड़ा सा कम करूँगा, पहले मैं आता हूँ कर्व टून में सीधे, ब्लैक्स को थोड़ा कम करता हूँ, मिड्स को ऊपर रखूँगा, हाईलाइट को भी थोड़ा सा नीचे। अब मैं हल किसी इसमें जो है ब्लू टोन डालूंगा शेडोज में, पता नहीं क्यों मेरे को आजकल ब्लू टोन बहुत सही लगती है शेडोज में, थोड़ा सा ना सिनेमैटिक फील आती है इससे। एंड हाईलाइट के लिए हल्का सा येलो, कलर मिक्सर में आते हैं स्किन का जो हमारा कलर है इसको थोड़ा सा ब्राइट करते हैं एंड इसको भी। बाकी जो ग्रीन कलर है इसको मैं थोड़ा सा डाउन करता हूँ, ग्रीन मतलब ग्रीन ना दिखे इतना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीन लग रहा है। तो इसको ऐसे रखते हैं, इसका यू थोड़ा सा इस तरफ एंड लुमिनियंस भी थोड़ा सा कम। इसके अलावा येलो कलर का हम सैचुएशन कम करते हैं एंड जो ब्लू कलर है इसको भी हम कम करते हैं, इसको भी कैलिब्रेशन में आते हैं एंड यहाँ से हल्की सी क्या करते हैं ये बढ़ाते हैं एंड इसको थोड़ा सा कम करते हैं। इसके बाद हम थोड़ी सी यहाँ से क्लैरिटी कम करते हैं एंड एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ से बैकलाइट को हम थोड़ा और दिखा सकते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पर चलता हूँ एंड ब्रश लेता हूँ, साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लूँगा एंड जस्ट एजेस पे ऐसे पेंट करेंगे ऐसे करते हैं, ताकि लाइट हमारा थोड़ा इफेक्ट दिखे, ठीक है। क्लैरिटी थोड़ी सी कम करेंगे और देखो थोड़ी फेडेड लुक आ रही है एंड डीहेज को भी हम थोड़ा सा कम करेंगे। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर भी रखेंगे थोड़ा सा ट्रीज़ के आसपास, ताकि ऐसे हेजीनेस आ सके इसमें एंड सी कितना सही लग रहा है। ओवरऑल फोटो में थोड़ा सा हेज ऐड हो चुका है, देखिए इस तरफ भी थोड़ा सा ऐसा डन। एंड इसका अगर हम देखें कलर्स का बिफोर आफ्टर तो ये देखिए आई थिंक सही लग रहा है। एंड इसमें अगर हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आर्टिस्टिक सोचें तो यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखूँ मान लो हमने फंक लिख दिया, ठीक है। ये टेक्स्ट आई डोंट थिंक इतना सही लग रहा है, बट हाँ मैं जैसे बता रहा हूँ अगर आपको कोई पोस्टर बनाना तो आप यहाँ से पूरा पोस्टर बना सकते हैं। बाकी टेक्स्ट को ऑफ करके देखते हैं एंड बिफोर आफ्टर देखते हैं, ये रहा बिफोर एंड ये आफ्टर। एंड ये फोटो मतलब पहले देखने में ऐसे लग रही थी कि ऐसी बन जाएगी, ये बहुत ही नॉर्मल खेत वाली फोटो थी एंड फाइनली एक बहुत ही आर्टिस्टिक स्टेज लग रहा है। कलर्स भी काफ़ी सही लग रहे हैं, गॉगल्स थोड़े से इस तरह वाला फेक लग रहा है, बट एनीवेज
आपको ये फोटो कैसी लगी कमेंट डाउन। नेक्स्ट जो मेरे पास फोटो है ये बहुत ही यूनिक फोटो है, मतलब बहुत ही फनी लग रही है मेरे को तो, एंड इसमें अमन जोशी ने भेजी फोटो यार, फनी भी नहीं कह सकते लेकिन हाँ बहुत ही यूनिक फोटो, मतलब इस टाइप की फोटो ना बहुत ही आर्टिस्टिक बन जाती है। तो मैं जस्ट इसको पहले लेयर कॉपी करूँगा एंड मैं इसको पहले एक्सपेंड करूँगा, इसको पोर्ट्रेट बनाऊंगा। तो जस्ट मैं क्रॉप में चलता हूँ एंड इसका ऊपर का पार्ट ऐसे जनरेट करेंगे हम, आई थिंक ये बहुत ही सही जनरेशन हो जाएगा इसका। तो जस्ट मैं इसको सेलेक्ट करूँगा एंड जनरेटिव फील पे जाके इसको खाली छोड़ देंगे। अब देखते हैं कि क्या ऊपर घास बना पाता है या फिर नहीं। ओके, तो ये इसने ऊपर घास ड्रॉ कर दिया जो कि सम वट सही लग रही है। आई थिंक ये वाला पोर्शन सही लग रहा है क्योंकि घास दोनों डायरेक्शन में जा रहा है। आई थिंक ये परफेक्ट है एंड इसके साथ हम जा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ आप ध्यान रखा करो, ये चीज़ मत ऑन किया करो, ये जो कैमरा का देखो यहाँ पे आ रहा है शॉट बाय अमन एंड यहाँ पे डेट आ रही है, ये पूरी फोटो को ना ख़राब कर देता है। आप अगर इस चीज़ को बाद में कभी देखोगे तो आपको लगेगा यार शेट ये क्यों आ रहा है यहाँ पे। ये चीज़ अगर आप एक ट्रू एनएसबी फैन हो तो भाई अपने फ़ोन में ये जाके ऑफ कर लो, ये मार्क वाला वाटर मार्क वाला ऑप्शन, ठीक है। फिलहाल हम इसको AI के जरिए हटा सकते हैं, जस्ट इस पर सेलेक्ट करते हैं एंड जनरेट पर छोड़ देते हैं। अब आई थिंक इसमें इतना जनरेशन का काम नहीं है, इसमें मेनली हमारी एडिटिंग का ये काम है कि हम इसमें क्या क्या कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगा, इसको कमांड शिफ्ट अल्ट ई करते हैं एंड यहाँ से एक रैंडम कोई पत्ती उठाता हूँ और इसमें डेप्थ ऐड करने के लिए जस्ट मैं इसको कमांड जे करता हूँ, कॉपी बनाता हूँ लेयर की एंड ऐसे ऊपर रख देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको जस्ट क्या करेंगे, ब्लर में चलते हैं एंड गॉशियन ब्लर इस पर ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा डेप्थ लगे कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ है कैमरा के पास आगे। ये हमने एक फोरग्राउंड एलिमेंट बना लिया, इसको हम कॉपी करेंगे, इस तरफ से भी ऐसे रख सकते हैं। तो देखो हल्का सा ऐसा लग रहा है हाँ भाई कुछ तो है जो कैमरा के पास से जा रहा है एंड इसकी एक और कॉपी बनाते हैं एंड इसको नीचे की तरफ से ऐसे रखते हैं, सिमिलरली इसको इधर भी रख सकते हैं। तो पूरी फोटो में मतलब एक ऐसे पाथ बन जाएगा कि आपको देखना कहाँ पे है, चारों कॉर्नर में हल्का सा ब्लर है एंड अब इसी करते हैं कलर ग्रेडिंग। मेरे को लग रहा है ये फोटो बहुत ही मस्त बन जाएगी क्योंकि इस टाइप की फोटोज मेरे को परफेक्टली लगती है कलर ग्रेडिंग करने के लिए। तो आते हैं फिल्टर्स के अंदर एंड कैमरा रॉ फिल्टर एंड सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से कलर मिक्सर से। तो मैं येलो पहले कम कर दूंगा बिल्कुल ही एंड जो ग्रीन है इसका मैं हल्का सा क्या करूँगा, डीसैचुरेटेड टोन रखूँगा, इसका यू थोड़ा सा इस तरफ रखते हैं एंड लुमिनेंस थोड़ी सी कम, देखो कितना सही लग रहा है। अब आते हैं कैलिब्रेशन में एंड इसका थोड़ा सा कलर जो है कम करेंगे, इसका यू थोड़ा सा इस तरफ ले चलते हैं, ग्रीन को छेड़ दें, ग्रीन को एक्चुअली थोड़ा ऐसे रखेंगे एंड स्किन टोन्स को हल्का सा येलो साइड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हाईलाइट को थोड़ा सा कम करते हैं, एक्सपोजर भी थोड़ा सा कम करेंगे एंड यहाँ से वाइब्रेंस को बढ़ा देते हैं, क्लैरिटी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, टेक्सचर भी हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं एंड यहाँ से आते हैं हम लेंस करेक्शन में, बेसिकली इफेक्ट्स में, ऑप्टिक्स में एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, वीनेट को थोड़ा सा कम करेंगे, इसको खोलते हैं एंड मिड पॉइंट थोड़ा छोटा करते हैं एंड सी कितना सही लग रहा है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी सेलेक्टिव एडिटिंग करेंगे, तो यहाँ पर जस्ट एक लीनियर ग्रेडिएंट लेते हैं, मतलब रेडियल ग्रेडिएंट लेते हैं एंड बीच का पार्ट जो है इसका फीदर पहले थोड़ा सा कम करेंगे, एक्सपोजर बढ़ाएंगे थोड़ा सा, वापस से एक बार क्या करते हैं लीनियर लेते हैं इस बार और ऊपर की साइड से हल्का सा डार्क कर देते हैं। अभी फोटो में थोड़ा सा और डार्क ऐड करना है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ाते हैं एंड अब हम आते हैं कर्व टोन में एंड यहाँ पर फेड ऐड करते हैं। तो ये तो एंड डिटेल्स में आके जो है शार्पनिंग को थोड़ा बढ़ाते हैं। तो ये जस्ट देखना आप फोटो का अभी बिफोर आफ्टर कलर्स, बिफोर एंड आफ्टर। मुझे भाई पर्सनली ऐसे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं जो कि बहुत ही डीप, मतलब हो ऐसे ज़्यादा सैचुरेटेड ना हो लेकिन बहुत ही डीप जा रहे हो कलर्स। और ऐसी फोटो में ना अगर इसको और आर्टिस्टिक बनाना है तो मैं यहाँ से टेक्सचर को अगर बढ़ा दूँ, क्लैरिटी भी बढ़ा दूँ तो और सही लगता है ये। अभी फोटो क्योंकि फ़ोन से है तो इसमें ज़्यादा स्किन पे ऐसे टेक्सचर रहे नहीं है, ब्यूटी मोड लगा हुआ है, वरना अगर ये फोटो कैमरा से होती है एंड इसमें टेक्सचर होता स्किन पे तो बहुत अच्छी लगती है ऐसी फोटोज़। इसका दिखाऊँ आपको अगर बिफोर आफ्टर, तो ये था बिफोर एंड ये है आफ्टर। इसको ना ये मेरे को थोड़ा सा क्या लग रहा है, इसका जो फोटो में जो फेस है सब्जेक्ट का ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूँगा नीचे की साइड ताकि ये फेस जो है सेंटर में आ सके। ये देखो अब ये फेस आ रहा है सेंटर में, तो देखते हैं AI इसका नीचे का पार्ट बना पाता है या फिर नहीं। तो पहले यहाँ से सेलेक्ट करते हैं एंड देखते हैं क्या जनरेट करता है ये। वाह यार सही लग रहा है, तो इस तरह से भी ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल परफेक्टली काम किया है इसने। अब देखते हैं नीचे बॉडी ड्रॉ कर पाता है या फिर नहीं, या फिर यहाँ पर क्या ड्रॉ करेगा ये। अगर इसने ये ड्रॉ कर लेना भाई मज़ा आ जाएगा भाई, बिल्कुल परफेक्टली इसने स्किन नीचे ड्रॉ कर दी एंड आई थिंक ये वाला पार्ट बिल्कुल सही लग रहा है यार। अब ये फोटो मुझे देखने लायक बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि सेंटर में बिल्कुल सब्जेक्ट है एंड देखो आपको बिफोर आफ्टर, सिर्फ इतनी सी फोटो का यूज़ करके हमने पूरी इतनी बड़ी फोटो बना ली। AI की पावर तो है भाई, मतलब AI एंड अगर आपने थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लिया, आपको पता है कि क्या इसमें ऐड करना है, तो आपकी फोटो लिटरली बहुत अच्छी बन सकती है, अगर आपने सेल्फी भी लिया तब भी। ये तो आई थिंक सेल्फ पोर्ट्रेट है एंड बहुत ही क्लासिक लग रहा है। अब नेक्स्ट वी हैव अ वेरी एस्थेटिक फोटो जो कि सबमिट की है बिलाल कुरेशी ने एंड ये फोटो बहुत ही लंबी है, आई थिंक फोन से क्लिक किया है एंड बिल्कुल ही 9:16 का एस्पेक्ट रेशियो शूट किया है। एनीवेज स्टार्ट करते हैं, इसकी एक कॉपी बनाता हूँ एंड सबसे पहले मुझे यहाँ पे लग रहा है ये जो पीछे है जहाँ पे ये सनलाइट पड़ रही है हल्की हल्की, इसको हम ईजिली बादल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट सिलेक्शन बनाता हूँ ऐसे, मैं चाहता हूँ यहाँ पर लिटरली एक स्काई आ जाए। तो ये स्काई तो बहुत ही फेक लग रहा है, ये एक बार को चल सकता है एंड ये भी सही है यार, आई थिंक ये सही है, बट यहाँ पर थोड़ा सी गलती कर दी इसने, ये पार्ट देखो
रीजनरेट करते हैं एक बार दोबारा से, ये भी सही है, बट आई डोंट नो इसमें थोड़ी गलतियाँ क्यों कर रहा है फोटोशॉप। आई थिंक आई विल गो विद दिस वन, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल लग रहा है, रियल सा लग रहा है एटलीस्ट, तो वो सही है ये। एंड ये फोटो इतनी लंबी है ना, इसको थोड़ा चौड़ा करूँगा, तो नो वरीज, ईजिली फोटोशॉप का AI यूज़ करके इसको चौड़ा कर सकते हैं। जस्ट इसको सेलेक्ट करते हैं एंड अपने आप यहाँ पर ये पेंट कर देगा, सेम इस तरफ का भी उड़ा देंगे एंड डन। एंड आई थिंक जनरेशन यहाँ पर हमारी पूरी हो चुकी है, बिफोर आफ्टर देखते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। अब इसमें थोड़ी बहुत कलर ग्रेडिंग करते हैं, ये कमांड अल्ट शिफ्ट ई एंड वापस अपना कैमरा रॉ फिल्टर। कलर ग्रेडिंग मेरा फेवरेट पार्ट है भाई, क्योंकि कलर ग्रेडिंग करने में जो मजा आता है ना, वो और किसी चीज़ में नहीं आता। तो यहाँ पर आते हैं एंड हल्का सा क्या करते हैं, टील ऑरेंज डालते हैं पहले, यस। एंड स्किन टोन बहुत ज़्यादा लग रही है, तो थोड़ा सा सैचुरेशन कम करूँगा स्किन का। एंड यहाँ पर आके स्किन टोन को थोड़ा सा रेड साइड ले चलते हैं, और सॉरी मतलब येलो साइड। एंड इसमें और क्या हो सकता है, ये यूज़ करते हैं बहुत सारा, इधर से थोड़ा डार्क करते हैं, ओके, इधर से थोड़ा और ब्राइट करते हैं एंड थोड़ा सा इसको वार्म रखते हैं ताकि सनसेट वाली फील आ सके, ठीक है, परफेक्ट। थोड़ा सा बैकग्राउंड को डल करते हैं, सेलेक्ट करते हैं यहाँ से सब्जेक्ट को एंड इसको करते हैं इन्वर्ट, हल्का सा लाइट कम, परफेक्ट। एक लेते हैं सर्कल में, एक सेंटर पे, ताकि लाइट यहाँ पर आ सके एंड सी। जस्ट मैं क्या करूँगा, एक्सपोजर बढ़ाऊँगा थोड़ा सा एंड डन। इसके बाद जो हमारा ये शूज़ का कलर है ब्लू, ये बहुत ही ओवर लग रहा है थोड़ा सा मेरे को पर्सनली, तो मैं क्या करूँगा इसका थोड़ा सा सैचुरेशन जो है, या फिर यार ब्लू कलर ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन नहीं, थोड़ा सा यू चेंज करूँगा इसका, थोड़ा सा क्लासी साइड, यस। एंड लुमिनेंस थोड़ा सा कम, तो आई थिंक ये सही लग रहा है काफ़ी। इसमें ब्लैक्स बहुत ज़्यादा पार्ट है, तो वो ब्लैक को थोड़ा फेडेड करते हैं ताकि थोड़ी सी रिचनेस फोटो में आ सके। उसके लिए हम जस्ट नीचे का पॉइंट पकड़ेंगे एंड ऐसे ऊपर फेड, हाईलाइट को थोड़ा सा अप करते हैं। आई थिंक मुझे तो काफ़ी सही लग रहा है ये, एक बार देखते हैं डन फाइनल फोटो को। ये है इस फोटो का बिफोर एंड ये इसका आफ्टर, जो कि बहुत ही क्लासिक लग रहा है एंड आई डोंट थिंक इसमें और कुछ करने चाहते हैं। लास्टली मेरे पास एक ये वाली फोटो है, जो कि बहुत ही नॉर्मल है, आई थिंक किसी ने जस्ट यहाँ पे जाके बीच के पास जाके जस्ट किसी और इंसान की ऐसी फोटो क्लिक कर ली, एक तरीके से स्ट्रीट फोटो कह सकते हैं। इसमें आई डोंट नो मैं क्या करूँगा, एक जस्ट कॉपी बनाते हैं एंड पहले तो साइड से इनको हटाते हैं, यहाँ पे इनको हटाने से अच्छा मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे पहाड़ होते हैं ना, कुछ तो बोलते हैं यार उनको, कुछ बाली साइड जैसे पहाड़ होते हैं, क्या बोलते हैं मैं भूल गया, बीच वाले माउंटेन जो होते हैं, शिट मैं खाली छोड़ रहा हूँ, देखते हैं अपने आप पे कुछ ड्रॉ करता है फिर नहीं। ये यहाँ पर यार पहाड़ तो नहीं ड्रॉ कर पाया, इस पर लिखता हूँ माउंटेन, तो ये वाले माउंटेन तो भाई बिल्कुल माउंट, ये हाँ ये हैं बीच साइड वाले माउंटेन, आई थिंक ऐसे ही होते हैं। इस तरफ भी सेम ऐसे कुछ जनरेट करते हैं, ये वाला आई थिंक परफेक्ट लग रहा है, इसमें हल्का सा ब्लर भी है, डेप्थ भी है, तो आई थिंक ये सीन इतना सही लग रहा है। यहाँ पर कोई तो डूब रहा है, इसको हटाते हैं यहाँ से पहले। अब आगे की तरफ कुछ ऐड करते हैं, यहाँ पर हम थोड़ी सी सैंड ऐड करते हैं, ऐसा लगे कि बीच यहाँ से एंड हो रहा है। तो ये इसने बनाया तो है, लेकिन आई डोंट थिंक इतना सही है, ये परफेक्ट लग रहा है भाई ये वाला, डैम इतनी साफ सैंड कहाँ पर है। बट ये एंडिंग नहीं इसकी सही से हो रही, थोड़ा सा इसको और देखते हैं, ये वाली की एंडिंग अच्छी है लेकिन ये सैंड इतना अच्छा नहीं है, तो एक बार और से रीजनरेट करते हैं। ये तो सैंड बहुत फेक है, ये थोड़ा रियल लग रहा है एंड हाँ ये भी लग सकता है रियल, ये जच रहा है, ये फिर आई थिंक ये सही है। इस फोटो को हम थोड़ा सा जो है चौड़ा करते हैं, पहले तो बहुत ही लंबी सी लग रही है वर्टिकल सी, इसको ऐसे खींचते हैं एंड इधर से भी ऐसे खींचते हैं, इसको जैसे हम सेलेक्ट करेंगे एंड जनरेट, कितना ईजी है ना, सिमिलरली इस तरह से भी सिलेक्ट करते हैं, आई थिंक ये सही है। तो अब ये फोटो हमें लग रही है थोड़ी सी कि हाँ भाई इसको हम थोड़ा देख सकते हैं और सही लग रहा है। बिफोर आफ्टर देखें तो ये रहा बिफोर एंड ये रहा आफ्टर, पूरी रीफ्रेमिंग हो चुकी है फोटो की। अब इसको थोड़ा सा कलर ग्रेड करते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक शेप और ऐड करते हैं, ये जो पार्ट है वाइट पार्ट से अजीब लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ये जैसे बोट आ सकती है, आई थिंक ये वाली परफेक्ट है। तो अब इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कलर ग्रेडिंग करते हैं इसमें, इसको हम करते हैं कमांड अल्ट शिफ्ट ई एंड आते हैं अपने कैमरा और फिल्टर के अंदर। ये फोटो लिटरली बहुत ही प्यारी लग रही है मुझे, जैसे जापानीज़ किसी मूवी का पोस्टर हो, तो इस पर हम कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ाएंगे पहले एंड ये बढ़ाएंगे, सिंपली आते हैं यहाँ पर एंड टील एंड ऑरेंज करेंगे इसको हल्का सा, पूरी बीच वाइब्स। मिक्सर में आते हैं, येलो कलर को थोड़ा सा कम करते हैं, जो कि हैवी नहीं इतना, लुमिनेंस ब्लू का थोड़ा कम रखते हैं एंड मोस्टली हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे सिलेक्टिव का। तो मैं नीचे की साइड से हल्का सा डार्क कर दूंगा इसको, ताकि सेंटर में हमारा फोकस रहे। इसके बाद सिमिलरली हम ऊपर की साइड से हल्का सा फेड इसमें डालेंगे, ताकि ऐसा लगे कि भाई लाइट इस तरफ से आ रही है, और बहुत ही लाइट सा फेड, डी हेज थोड़ा सा कम, क्लैरिटी भी थोड़ी सी कम। एंड सेंटर पे हम क्या करेंगे, एक मास्क बनाएंगे सेंटर पर सर्कल वाला एंड इसको करेंगे इन्वर्ट, बैकग्राउंड की लाइट थोड़ी सी कम। इसके बाद यहाँ से हम इफेक्ट में आ गए, हल्का सा वीनियर भी डाल सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर कलर अगर बिफोर आफ्टर देखें तो ये देखो बिफोर एंड ये आफ्टर, बहुत ही सटल है लेकिन बहुत ही परफेक्ट लग रहा है मुझे। तो हल्का सा इसका जो टेम्परेचर है इसको बढ़ा सकते हैं हम, या फिर कम कर सकते हैं, कम सही लग रहा है आई थिंक। तो ये फोटो देखो कितनी प्यारी लग रही है भाई, ये तो लिटरली किसी गाने का पोस्टर बन चुका है। बिफोर इस फोटो का था ऐसा एंड आफ्टर ऐसा,
डैम ब्रो ये बहुत ही परफेक्ट लग रहा है और कोई कह भी नहीं सकता कि ये फोटो कहीं से भी इसमें कुछ फेक जनरेटेड है। तो भाई ये तो बिल्कुल ही कमाल हो गया एंड वो भी बहुत ही ईजी तरीके से। दिस इज इट एंड मेरी फेवरेट फोटो ये वाली है। आपको कौन सी फोटो बेस्ट लगी मुझे कमेंट करके जरूर से बताना एंड मैं आपकी फोटो को एडिट करूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एपिसोड में। तो ये रहा नीचे लिंक एडिट विद एनएसबी का, यहाँ पे सबमिट कर दो अपनी फोटोज एंड मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी कमाल की वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।